दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मदन लाल भास्कर। आप देख रहे हैं सिल इंस्टीट्यूट का फ्री ट्यूटोरियल कोर्स। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किए थे कि आप अगरबत्ती को कैसे पैकिंग करेंगे, तो उम्मीद करते हैं उस वीडियो से आप सीख लिए होंगे कि आप पैकिंग किस तरीके से अलग अलग बिक्री का अलग अलग किस तरीके से पैक करके उसको बॉक्स रूप में कैसे बेचने के लिए तैयार करना है। आप जो है पहली बार हमारे वीडियो में आ रहे हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और अगरबत्ती बिजनेस को सीखना चाह रहे हैं फ्री में, यानी बिना पैसा दिए निःशुल्क सीखना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। लेकिन आज की ही वीडियो से देख करके आप बिजनेस को स्टार्ट न कीजिएगा। हमारे जो पहला एपिसोड था वीडियो का, वहां पर जाने का या उस वीडियो को देखने का एक सिंपल सा रास्ता है, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, उसके बाद हमारे चैनल के जो मोनो है, लोगो है, आपके मोबाइल में जो दिख रहा है सिल इंस्टीट्यूट करके, उसको टच कीजिए। उसको टच करते ही आपके सामने हमारा सारा वीडियो आपके मोबाइल पे आ गया है। उसके बाद आप ऊपर में जो देखेंगे आपके मोबाइल में, हमारे मोनो के ऊपर में होम वीडियो ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप वीडियो को टच कीजिए। तो वीडियो को आप जैसे ही टच किए हैं तो आपके सामने जितना भी आपके मोबाइल में हमारा जितना भी वीडियो है वो आपके मोबाइल पर आ गई है। आप जो है देखना चालू कीजिए एपिसोड पहला से, पहला देखिए फिर दूसरा देखिए इस तरीके से, और अपने डायरी पे, अपने कॉपी पे, अपने पेन पे सारी जानकारी जो हम बताते हैं उसको आप लिखते जाइए। यदि लिखने में असुविधा है, आपको टाइम लगेगा लिखने में, तो एक और रास्ता है उसके लिए समय आपको देने की या लिखने की या उसमें आपको समय बिताने की, कष्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है सिल इंस्टीट्यूट blog.com का लिंक दी गई है, उसको आप टच करेंगे तो आपको हमारा ब्लॉग में ले जाएगा। आप हमारे ब्लॉग में देखिए, ब्लॉग में सभी वीडियो का, जितना भी वीडियो में हम जो भी चर्चा करते हैं उसका राइटिंग यानी लिखित में उस जगह ब्लॉग में आपको मिल जाएंगे। उसको आप वहां से पढ़ सकते हैं या उसको डाउनलोड कर सकते हैं या उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आपका इसमें समय बचेगा। तो यदि आप नए हैं तो ये रास्ता जो अभी हम बताए हैं, उम्मीद करते हैं आप इसको अपनाएंगे, इस नियम को अपनाएंगे और सभी वीडियो को आप देख पाएंगे। और सभी वीडियो को देखते हुए पूरा सीख करके ही, प्रैक्टिकल करके ही बिजनेस में आप हाथ डालिए या कीजिए इस बिजनेस को। कोई भी बीच का वीडियो एक ठो देख लिए या वहां से आप काम चालू कर दिए, उससे आप फेल हो सकते हैं। इसलिए आप शुरू से और अंतिम तक का वीडियो देखिए, उसके बाद काम को चालू कीजिए। आज हम अब बात करेंगे आगे, जिस उद्देश्य से हम आए हैं, तो हमारा काम है कि आज जो तैयार माल अगरबत्ती आपका तैयार है उसको बिक्री कैसे करना है। अब बिक्री करने के लिए आपके पास, आप खुद जिस स्तर पे काम को किए हैं हम उसी स्तर पे आपको हम समझाएंगे। यदि आप सबसे छोटे स्तर पे, छोटे व्यापारी बन के सबसे छोटे तरीके से, मतलब हाथ से बना के अगरबत्ती आप तैयार किए हैं, तो आप जो भी सामग्री है सब आप मंगाई लिए होंगे, बनाई लिए होंगे। अब आप जो है, आपको उत्पादन भी कम है, तो आप जो है उसके हिसाब से आप छोटे छोटे जो भी बॉक्स बनाए होंगे तो उसको आप जो है छोटे छोटे दुकानों में जाइए, जो छोटे छोटे किराने की दुकान है वहां पे जाइए और उनसे बात कीजिए कि ये हमारी अगरबत्ती है और हम राबत्ती बनाते हैं और परफ्यूमिंग का हमारा काम है, परफ्यूम करके ये रेडीमेड जो पाउचेस पन्नी है उसमें हम
इसको रीपैक करते हैं, रीपैकिंग का काम है हमारा, और इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट है। इस तरीके से आप उसमें से दो ठो सैंपल उनके सामने जलाइए माचिस से, और उसकी खुशबू उसको क्वालिटी दुकानदार को सुहाइए। अब आपकी अगरबत्ती में क्वालिटी अच्छी रहेगी और उस दुकानदार के पास सामान उस समय उपलब्ध अपनी दुकान में स्टॉक नहीं रहेगा, और रेट आपकी अच्छी रहेगी, क्वालिटी अच्छी रहेगी, तो आपसे वो माल ले लेगा। आप छोटे स्तर में काम कर रहे हैं तो बड़े दुकान में भूल के मत जाइए, क्योंकि बड़े दुकान ज्यादा मात्रा में माल खरीदते हैं, कम रेट में खरीदते हैं, तो आपका रेट वहां पर आप जो रेट में वो मांगेगा वो आप नहीं दे पाएंगे, अगर देंगे तो नुकसान आपको हो जाएगा। इसलिए आप छोटे दुकान में जाइए और अपना मार्जिन बना के, जैसे हम पिछले वीडियो में बनाए हैं बताए ही थे कि आप किस तरीके से मार्जिन बनाएंगे, तो आप अपना मेहनत चार्ज, कच्चा माल, सब चीज को जोड़ के जो भी प्रॉफिट आप डालना चाह रहे हैं वो डाल के दुकानदार को, छोटे दुकानदार को आप दीजिए। ये आपके लिए सही तरीका है। यदि आप एक मशीन, जैसे जिसको पैडल मशीन कहते हैं, बिना बिजली से चलने वाला मशीन कहते हैं, उससे आप काम चालू किए हैं और उससे परफ्यूम करके आप जो है रेडीमेड जो पाउचेस आते हैं या बॉक्स आते हैं उसमें भर के आप माल बेच रहे हैं, तो थोड़ा सा जाहिर है कि आपका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है हैंडमेक से। तो आप जो है आप उस स्तर पे बॉक्स वगैरह भी कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप थोड़ा से कुछ बड़े दुकानों में जाइए, अब उनसे बात कीजिए कि इस तरीके से हम रीपैकिंग का काम करते हैं, हमारे पास पैडल मशीन है, हम अगरबत्ती रावत्ती को खुद तैयार करते हैं और परफ्यूम चलाते हैं, और उसके बाद रेडीमेड जो पाउचेस हैं या बॉक्सेस हैं उसमें हम रीपैक करके हम माल को बेचते हैं। तो उनको भी विधि वही है, दो तीन गाड़ी उनके सामने जलाइए, उसका कहीं पर लगा दीजिए, उसकी खुशबू फैलेगा, आपका अगरबत्ती की क्वालिटी अच्छी रहेगी और आप उसको सही रेट में दे पाएंगे तो आपको ऑर्डर देगा या तो आपसे माल ले लेगा, तुरंत माल ले लेगा। तो इस तरीके से आप वहां पर कर सकते हैं। यदि आपका काम बड़ा है, इंडस्ट्रीज का रूप है, आपके खुद के ब्रांड है, तो इसके लिए दो रास्ते हैं। या तो आप जैसे ये दोनों छोटे व्यापारी किए हैं उस तरीके से काम को आप शुरू कीजिए, स्वयं अपने वर्करों के द्वारा, कुछ वर्करों के द्वारा माल मार्केट में फैलाइए, या बड़े स्तर में कर रहे हैं तो सबसे पहले इसका एडवर्टाइजमेंट कीजिए। एडवर्टाइजमेंट बहुत जरूरी है, उसके बिना माल आपका बिकेगा नहीं, कोई जानेगा नहीं आपको, दुकानदार भी लेगा नहीं आपका माल, क्योंकि आप बड़े दुकान में जाएंगे, सीधी सीधा कहाँ जाएंगे, बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं जो माल सप्लाई करते हैं उनके पास आप जाएंगे, तो आपका माल वो या तो बहुत कम रेट में मांगेगा, क्योंकि जानता है ये खुद का ब्रांड वाला है, तो नया है मार्केट में, इसका नाम अभी नहीं हुआ है, इसको कोई जानता नहीं है, तो ऐसा रेट मांगेगा जो आपको नहीं पहुंचा पाएगा। तो आप उसके लिए सबसे पहले या तो उसके रेट में दीजिए, कमाइए कम, बहुत कम कमाइए, उसको उनके रेट में दीजिए, उनको कमाने दीजिए जब तक आपका नाम नहीं हो जाता है मार्केट में, तब तक। उसके बाद जैसे आपके ब्रांड का नाम लोग बाग नाम से अगरबत्ती मांगना चालू कर देंगे दुकानों में, उस समय जो है आपका जब ऑर्डर लगाएगा, आपका जो थोक विक्रेता है वो ऑर्डर लगाएगा, बार बार ऑर्डर लगाएगा, माल खत्म हो गया, माल भेज दो, माल भेज दो, उस समय आप जो है रेट को थोड़ा से आप बना सकते हैं, थोड़ा प्रॉफिट अपना बढ़ा सकते हैं। यदि आपको तुरंत प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, ज्यादा माल की खपत करना है आपको, तो उसके लिए फिर दूसरा रास्ता है कि आप एडवर्टाइजमेंट दीजिए टीवी में, पेपर में, जो भी है आपका सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया जो भी है उसमें आप एडवर्टाइजमेंट दीजिए। एडवर्टाइजमेंट के लिए आप जो है बड़े बड़े कलाकारों को नहीं, तो कम से कम छोटे छोटे कलाकार को, जो छोटे कलाकार होते हैं या क्षेत्रीय लेवल के कलाकार होते हैं, उनको उनका सहारा लीजिए, उनसे आप एक्टिंग करवा के या जो भी बनवा के आप ले सकते हैं। वैसे यदि आपका एडवर्टाइजमेंट संबंधित जो भी काम होगा, आप शूटिंग संबंधित या और उससे कुछ भी संबंधित, या एक्टर एक्ट्रेस से संबंधित जो भी काम होगा, आप हमारी वीडियो के लिंक में उनका हम लिंक दे दिए हैं, आप वहां पर जाके उनसे आप ये सारे चीज आप उनको ऑर्डर दे सकते हैं,
चाहे वो कैमरा के लिए हो या शूटिंग के जो भी इक्विपमेंट आते हैं प्रोडक्शन हाउस में जो यूज होता है उसके लिए, तो आप वहां पर से आप काम कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आपका मार्केटिंग किस तरीके से किया जाए या किस तरीके से कर सकते हैं। तो मार्केटिंग जो है करना तो आपको ही है। आप शुरू शुरू में मार्केटिंग जब करेंगे बिना एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो मार्केट में ऑब्जेक्शन बहुत आएंगे, कहेंगे आपके माल में खराबी नहीं है, ये आप जानते हैं। लेकिन अगला कहेगा आपका माल ठीक नहीं है, ये तो रद्दी माल है, खुशबू नहीं है, बहुत सारे निगेटिव आपके सामने रखेंगे। उस समय आप जो है उनकी बातों को सिर्फ सुनिए, कान तक सुनिए, दिल में मत लीजिए, क्योंकि उनका काम है आपको डीमोटिव करना। आप अपने मन को स्ट्रांग बना के चलिए और विश्वास रखिए, क्योंकि आप यदि रेडी मिक्स अच्छा बनाए हैं, क्वालिटी वाला लिए हैं, पाउडर्स क्वालिटी वाला लिए हैं, परफ्यूम क्वालिटी वाला लिए हैं, सब चीज क्वालिटी वाला लिए हैं, अच्छा उसमें आप डिपिंग बेहतरीन कर रहे हैं, आपको पता है कि मैं अच्छा काम किया हूं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका प्रोडक्ट मार्केट में नाम करेगा एक दिन, उसके लिए थोड़ा समय चाहिए होता है, ताकि लोगों को धीरे 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 जानकारी होगा। अगर एडवर्टाइजमेंट करवा देंगे तो जल्दी जानकारी हो जाएगी। यदि आप उच्च क्वालिटी के अच्छी गुणवत्ता वाली अगरबत्ती का कच्चा सामान इस्तेमाल नहीं किए हैं शुरू से, तो ये आपको भी पता है कि मेरा माल जो है बहुत कमजोर है, तो फिर आप उस समय ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी कच्चा माल इस्तेमाल करें, उच्च क्वालिटी का अच्छा माल ही आप इस्तेमाल करें, सस्ता के चक्कर में ना पड़े। बहुत सारे विक्रेताएं होते हैं जो कच्चा माल बेचते हैं, बहुत कंपटीशन के लिए कुछ भी उठा के दे देते हैं, कुछ भी उठा के दे देते हैं, वो आपको ही नुकसान उठाना पड़ेगा, वो तो बेच के अपना पैसा ले लिया आपसे, उनका काम खत्म हो गया। तो चूंकि मार्केट में आपको ही बने रहना है, टिके रहना है, आपका चूंकि आपका ब्रांड है, अगर ब्रांड नहीं भी है, आप रीपैकिंग करके बेच रहे हैं, तो पर भी वहां पे ब्रांड आपका चेहरा हो जाता है। जिस दुकान में आप माल लेके गए हैं वहां पे आप अगर खराब माल देते हैं तो आपका चेहरा फिर खराब हो जाता है, वो माल नहीं देखता है, आपके चेहरे को देख कर कहे भैया आप ही तो माल दे गए थे, आपका माल भी इस तरीके से परेशानी है, अब आपसे माल नहीं लेंगे। ये सारी चीज से बचना है तो आप क्वालिटी प्रोडक्ट लीजिए, और क्वालिटी प्रोडक्ट जो आप लेना चाहेंगे, कहाँ से लेना चाहेंगे, उसकी सारी जानकारी, उनका सारा लिंक, जो जो ये मशीन कहाँ चाहिए, पाउडर्स कहाँ से लेंगे, रॉ मटेरियल कहाँ से लेंगे, परफ्यूम कहाँ से लेंगे, वो सारी जानकारी जो है आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक में आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, आप वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपका अगरबत्ती का पूरा प्रोजेक्ट पूरा हो गया है, अब हम बात करेंगे आने वाले वीडियो में परफ्यूम के बारे में। अभी तक तो हम सिर्फ परफ्यूम आपको लेकर के उसका डाइल्यूटेशन करके आपको तैयार करना या डिपिंग करना सिखाए हैं, अब हम आपको आगे की वीडियो में परफ्यूम बनाने की ये टेक्निक आपको सिखाएंगे, वो भी इसी सिल इंस्टीट्यूट के फ्री ट्यूटोरियल में। बस अब देखना आपको है कि आप सीखते हैं या इस हमारे वीडियो को यू ही टाइम पास के लिए देखते हैं। यदि आप टाइम पास के लिए देखते हैं तो आपके लिए भी ठीक है, हमारे लिए भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप सब्जेक्ट के रूप में और एक बिजनेस जो आप कर रहे हैं उसमें सीरियस होने के लिए, उस बिजनेस को 100% सफल बनाने के लिए हमारे ये वीडियो देखते हैं और हमारे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, तो हमें खुशी होगी और हमें आप हमसे जुड़े हैं, ये इसके लिए जरूरी है, जुड़े रहें इसके लिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन बटन को प्रेस करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, तभी तो आपका और हमारा बना रहेगा रिलेशन, रिश्ता जुड़ा रहेगा और आपके साथ हम आपके व्यवसाय में उन्नति
हो इसके लिए हम आपको छोटी से छोटी बारीक से बारीक जानकारी को देते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे परफ्यूम मेकिंग कोर्स को लेकर के। तो मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।